हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल में बार बार पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट टू होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, ट्रिगोनोमेट्री का। तो इस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन अपन लेंगे और सारे क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर एक को एक एक करके डिस्कस करेंगे बेस्ट वे में कैसे उसको अपन डील कर सकते हैं, कैसे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको एक सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। कुछ कमेंट हो तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोला है द एक्सप्रेशन टैन 57 डिग्री प्लस कॉट 37 डिग्री बाय टैन 33 प्लस कॉट 53 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ये एसएससी के द्वारा 2012 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन टायर टू में भी पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है, देखिए आपको यदि ऊपर वाला एक्सप्रेशन है तो ऊपर वाले को नीचे वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए या नीचे वाले को ऊपर, यानी कि ऊपर नीचे एक ही टाइप का एक्सप्रेशन आना चाहिए। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि टैन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉट थीटा है, या साइन के लिए लेंगे तो साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस आपको साइन में बदल जाता है, सेक आपको कॉसेक में बदल जाता है। अभी हम बेसिक जो है आपको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये चीज़ आई होप जो भी टायर वन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा। तो चलिए टैन 57 ओके, टैन 57 प्लस कॉट 37। अब हम लोग नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं ऊपर वाले के फॉर्म में। टैन 33 को आप लिख सकते हैं क्या, टैन 33 को आप कॉट ये कितना आ जाएगा 57 लिख सकते हैं, प्लस कॉट 53 को आप टैन 37 लिख सकते हैं। अब देखिए 37 और 57 में ऊपर नीचे कन्वर्ट हो गया। आप देखिए tan 57 प्लस cot को आप लिख सकते हैं 1 by tan 37 by cot को आप लिखिए 1 by tan 57 और tan को 37 रहने दीजिए। चलिए इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 57 tan 37 प्लस 1 बटा नीचे में क्या आ जाएगा आपको tan 37 tan 57 प्लस 1 और नीचे वाला टेन 57 जो है वो आपको ऊपर चला जाएगा, तो टेन 57 और ए वाला जो टेन 37 है वो नीचे आ जाएगा टेन 37। देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन रूल्ड आउट हो गए, कैंसिल्ड हो गए, तो आपके पास बचा क्या टेन 57 बाई टेन 37। अब देखिए टेन कॉट में ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसको आप लिख सकते हैं टेन 57 इंटू कॉट 37 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टेन 57 cot 37, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको एफसीआई 2013 में पूछा है, cot 30 by cot 75 डिग्री by tan 15 माइनस टेन 60 डिग्री, ऊपर या नीचे किसी एक को एक टर्म में ले जाइए। तो चलिए ऊपर को रहने देते हैं cot 30 माइनस cot 75 डिग्री। अब देखिए tan 15 को आप लिख सकते हैं क्या cot 75 डिग्री, माइनस टेन 60 को लिख सकते हैं आप cot 30 डिग्री। ये देखिए दोनों इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन टाइम्स कटेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का यही तरीका है, आइदर ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म में लिखिए या नीचे वाले को ऊपर वाले के टर्म में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सीएचएसएल का क्वेश्चन है, पूछा क्या है 5 बाई सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 बाई सेक्स स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप थीटा का कोई वैल्यू रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ थीटा का वैल्यू रखना उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप देख के इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं आंसर कॉस स्क्वायर थीटा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 × 1 इज इक्वल टू 5, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेम है, आपको सीजीएल टायर 1 2013 ने पूछा है। 1 + tan² थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 / sec² थीटा, 3 cos² थीटा हो जाएगा, प्लस 1 + cot² थीटा, cosec² थीटा होता है, तो 1 / cosec² थीटा आपको क्या आ जाएगा? sin² थीटा प्लस 2 sin² थीटा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 3 कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा क्या? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 देता है, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को आप 3-4 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वहां से आपको साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा क्या है कि आप इसको सेक टेन को ना आप साइन कॉस वाले फॉर्म में लाइए, तो ये कितना आ जाएगा? 1 / cos थीटा बटे साइन थीटा / cos थीटा बटा में 1 / cos थीटा माइनस साइन थीटा / cos थीटा इज इक्वल टू आपको 5/3 दिया गया है। चलिए cos थीटा रूल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस cos थीटा, नीचे क्या आपको बच जाएगा? ये आपको cos थीटा 1 + sin थीटा हो जाएगा, साइन थीटा नहीं, 1 + cos sin थीटा आपको यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इस टर्म को मैं हटा देता हूँ, cos थीटा LCM हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 + sin थीटा, और नीचे यदि आप LCM cos थीटा लेंगे तो 1 - sin थीटा, cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 + 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 - 5 sin थीटा। ओके, आगे इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा वाले को एक साइड लाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 8 sin थीटा इज इक्वल टू 5 - 3 2, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 2/8 विच विल बी इक्वल टू 1/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में, और अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो नहीं, आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आपको क्या दिया गया है? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - ए स्क्वायर थीटा। आपको रिक्वायर्ड फाइंड आउट क्या करना है? सेक थीटा प्लस टेन क्यू थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 / cos थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप एक टेन को क्या लिख सकते हैं? sin / cos। ओके, इंटू आपको क्या आ गया? कॉसेक आ गया, साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट 1 आता है। अब देखिए आपको नीचे में क्या आ गया? कॉस थीटा, एलसीएम ले लिए, आपको ऊपर क्या बच गया? 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, से कॉस थीटा को अगेन ऊपर ले लेंगे, यानी कि आपको ओवरऑल फाइंड आउट क्या करना है? सेक क्यू थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेक क्यू थीटा। अब देखिए, अब आपको यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या? 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है? सेक क्यू थीटा फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड 1 + tan² थीटा दोनों साइड आप 3/2 पावर से गुना कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को यदि आप 3/2 से ऊपर पावर देते हैं तो ये आपका ओवरऑल सेक क्यू थीटा ही आ गया। चलिए, यानी कि अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? 1 + tan² थीटा टू द पावर 3/2, 1 + tan² थीटा आपको क्या है? 1 - e² टू द पावर 3/2। अब देखिए 1 + 1, 2 - e² टू द पावर 3/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 - e² टू द पावर 3/2, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या है? लेट ए बी सी एंड डी आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम आपको 180 डिग्री, ए बी सी डी। अब आपको कॉस ए और सी जो होगा, कॉस सी यानी कि ए प्लस सी आपको 180 डिग्री है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 - c। सिमिलरली बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 - d। अब देखिए कॉस ए को रहने दीजिए, कॉस बी को भी रहने दीजिए, कॉस सी को आप लिख सकते हैं कॉस 180 - a, कॉस डी को लिख दीजिए कॉस 180 - b। कॉस 180 क्या होता है? कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ए
माइनस कॉस बी, ये सारा रूल्ड आउट हो गया, आपको आंसर जीरो आ गया। बट इस केस में बेटर आप एग्जाम अप्रोच क्या है, क्यों ना आप एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल ले लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, जहाँ पे आपको सारे एंगल ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब देखिए कॉस 90 जीरो 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 जीरो, सारे का वैल्यू आपको जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th आपको बोला गया, इफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अलजेब्रा का एक सिंपल क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एन, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2 होता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे टैन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टैन थीटा इज इक्वल टू आपको 5 दिया गया है, आपसे निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 23। ये अलजेब्रा में बहुत सारा यूज होता है, ये स्टैंडर्ड आपको एक रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, इफ टेन ए इज इक्वल टू एन टेन बी एंड साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे आप यदि ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे आपको एक मिनट जरूर लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऊपर से यदि आप ए इज इक्वल टू बी आप 45 डिग्री ले रहे हैं तो आप गौर करेंगे कि एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 आएगा, जो कि आप नहीं ले सकते हैं यदि आप वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी ऑप्शन सी में एन स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1 जीरो आ जाएगा, समथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड होता है। तो आप ए और बी का वैल्यू 45 डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप ले लेते हैं ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू आप ले लेते हैं सपोज 30 डिग्री। तो आप देखिए टेन ए इज इक्वल टू टेन ए कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एन टेन बी, टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो एन का वैल्यू आपको √3 आ गया। सिमिलरली साइन ए, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू एम साइन बी, साइन बी साइन 30 करने का मतलब 1/2, तो एम का भी वैल्यू आपको √2 आ गया। ऑप्शन सेटिस्फाई कीजिए, आपको निकालना क्या है कॉस स्क्वायर ए यानी कि 45 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 1/√2 होल स्क्वायर यानी कि 1/2। अब ऑप्शन ए देखिए एम स्क्वायर प्लस 1, एम क्या है √2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 1, 3/3 प्लस 1 4 नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी देखिए एम स्क्वायर प्लस 1 कितना 3, एन स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, एन स्क्वायर प्लस 1 4 आ जाएगा, ये नहीं, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय putting the value of theta or putting the value of a and b and get your answer what is required to find out. तो देखिए यहाँ पे a और b 45 degree नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते उसका मैं reason आपको बता दिया। चलिए question number 10th को लेते हैं। question number 10th आपको बहुत अच्छा question है, इस तरह के question को कैसे deal कर सकते हैं। देखिए आपको दिया क्या गया है 1 plus cos square theta is equal to 3 sin theta into cos theta। आप क्या कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा कट गया। अब आपके पास क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब देखिए टेन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ये आ जाएगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 0। टेन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको एक बार मैं और लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये टेन का जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यू आ गया, टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा इसका माइनस 3 को 2 लाने के लिए आप माइनस 2 और माइनस 1 में आप इसको तोड़ सकते हैं, तो आपको टेन स्क्वायर थीटा के कोफिशियंट के निगेटिव से आपको भाग देना पड़ेगा, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा। देखिए 0 से 90 के बीच में थीटा है, यानी कि दो भी पॉसिबल है और एक भी पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का
दो आंसर हो सकता है, बट आपको ऑप्शन का हेल्प लेना है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जब टेन थीटा टू है तो कॉट थीटा वन बाई टू, टेन थीटा वन है तो कॉट थीटा भी आपको वन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा क्या, वन बाई टू और वन। बट अपन ऑप्शंस के तरफ देखते हैं तो आपको ऑप्शन एक यानी कि ऑप्शन बी मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते क्वेश्चन अधूरा है या इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको कॉट थीटा बोला गया, आपको एक भी आंसर मैच कर रहा है। यदि यहाँ पे वन बाई टू भी दिया रहता तब आपका ये क्वेश्चन का ऑप्शन आप नहीं दे सकते, क्योंकि दो ऑप्शन इसके सही होते हैं। इस केस में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ये सीजीएल टायर टू 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं, सेम हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए तो टू बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू एक कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, एक कॉस कट जाएगा तो यह बच जाएगा आपको थ्री टेन थीटा। चलिए टू सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं टू प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस थ्री टेन थीटा, अगेन टेन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये आपका क्या बच गया टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री टेन थीटा प्लस वन। माइनस थ्री को इस तरह से गुणा करना है, डिवाइड करना है आपको कि उसका प्रोडक्ट टू आए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप माइनस टू और माइनस वन में इसको कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा के कोफिशियंट को निगेटिव से आप भाग दीजिए तो माइनस टू ए भी माइनस वन, यानी कि जो आपका टेन थीटा का वैल्यू आया वो आपको कितना आ जाएगा वन और वन बाई टू आ गया। बट एक कंडीशन क्या दिया गया है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, कहने का मतलब थीटा का वैल्यू आपको 45 डिग्री नहीं होना चाहिए। टेन का वैल्यू आप वन लेंगे थीटा 45 डिग्री आएगा, यानी कि वन तो पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा का दो वैल्यू आया वन और वन बाई टू, वन पॉसिबल नहीं है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा वन बाई टू राइट आंसर होगा। सॉरी इसका ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किए हैं, वन बाई टू यहाँ पे ले लीजिए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, वन बाई टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। टू कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री, चलिए टू कॉसेक स्क्वायर सबसे पहला हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए, सारे एंगल को एक ही एंगल में सारे रेशियो को बदल दीजिए, तो टू कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट 67 को आप लिख सकते हैं टेन 23 माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 23 माइनस कॉट स्क्वायर 67 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए वैल्यू आपको माइनस वन दे देगा। ओके चलिए तो आपको क्या आ गया टू कॉस स्क्वायर 23 इंटू टेन 23 माइनस आपको क्या बच गया वन प्लस टेन स्क्वायर 23 बच गया अंदर में। ओके अब आप इसको टू कॉस स्क्वायर को लिखिए साइन स्क्वायर 23 इंटू टेन स्क्वायर 23 डिग्री को आपको लिखना है तो इसको इंटू साइन स्क्वायर 23 बाई कॉस स्क्वायर 23 लिख सकते हैं माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर 23 कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री आ जाएगा। ओके अब यहाँ से देखिए 23 साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 23 कट गया, अब आपको बचा क्या टू बाई कॉस स्क्वायर 23 तो टू बाई कॉस स्क्वायर 23 डिग्री कितना हो जाएगा टू सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 23 डिग्री, ये आपको कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 अप टू कॉस 179 डिग्री तक का प्रोडक्ट आपको पूछा गया है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इस बीच में आपको एक टर्म आएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग आपको हमेशा जीरो वैल्यू देगा, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, एसएससी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इस पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा आपको एसएससी पूछता है, देखिए इजी क्वेश्चन होता है आपको, देखिए टेन 4 डिग्री इंटू टेन 43 डिग्री इंटू टेन 47 डिग्री इंटू टेन 86 डिग्री,
यहाँ पे आपको पेयर बनाना पड़ता है, इस तरह से आपका पेयर आएगा। कैसे, देखिए, टेन 4 डिग्री, टेन 86 को आप लिख सकते हैं कॉट 4 डिग्री, इंटू टेन 43 को रहने दीजिए, टेन 47 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट 43 डिग्री। अब देखिए, टेन इंटू कॉट वन, टेन इंटू कॉट वन, वन इंटू वन विच विल बी इक्वल टू वन, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, ऐसे अप टू आपको टेन, आप ले लीजिए 86 डिग्री या 87 डिग्री, टेन 88 डिग्री, टेन 89 डिग्री। अब देखिए, 1 और 89 का पेयर बनेगा, 2 और 88 का पेयर बनेगा, 3 और 87 का पेयर बनेगा, इस तरह से बनते चल जाएगा, और बीच में एक बिना पेयर वाला 1045 होगा। क्यों? क्योंकि इस टर्म में आपको टोटल 89 टर्म्स दिए गए हैं, 89 चीजों से आप 44 पेयर्स और एक जो होगा जो कि पेयर नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनने वाला पेयर 1045 होगा। अब सारे पेयर 101 इंटू 1089, 1089 को आप लिख सकते हैं कॉट 1 डिग्री, तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, और जो एक बचा हुआ है आपको 1045 उसका भी वैल्यू 1, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री। अब देखिए, 10 डिग्री और 80 डिग्री वाला को, कॉट 80 को आप 10 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉट 20 और कॉट 70 को आप गुणा करेंगे, ए भी 1 हो जाएगा। आपको बच गया क्या, बिना पेयर वाला कॉट 60, और कॉट 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√3, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/√3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी कोई सीरीज आपको साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का सम सीरीज हो और थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि ना तो 0 डिग्री होना चाहिए ना ही वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस तरह के सम सीरीज, चाहे वो साइन का सम सीरीज हो या कॉस स्क्वायर का सम सीरीज हो, हमेशा जो आंसर आता है, हमेशा आंसर आपको आएगा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 आएगा, यानी कि उस सीरीज में जितने भी टर्म्स होंगे उसके नंबर आप काउंट कर लीजिए, बाय 2 कर दीजिए। तो आपको क्या होगा, सबसे जो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करते समय आपसे 80% चांसेस है कि आप यहाँ पे गलती करेंगे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 to 89 है तो आप इजीली बोल देंगे कि 89 टर्म्स हैं, यहाँ पे तो आप इजीली कर दिए, बट आपको दिक्कत होगी कुछ कॉम्प्लिकेटेड यदि आपको सीरीज दिया गया है, तो इससे बेटर है कि एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हालांकि यहाँ पे देख के ही लग रहा है, बट मैं कर देता हूँ, nth टर्म क्या है 89, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, प्लस n आपको निकालना है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 से आप 5 जा रहे हैं, सॉरी 89 टर्म्स नहीं होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स 89 नहीं होगा, मेरे को लग रहा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे दिया गया है, बट यहाँ पे गैप है 1 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री, 4 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। तो अब इसको कीजिए 89 माइनस 1 88 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 4 से ये जाएगा 22 टाइम्स, तो एन का वैल्यू आपको 23 आएगा। तो यहाँ से इस तरह आप निकालें, यदि आप ऐसे ही तुक्का लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे 80% केसेस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स गलत ही आएगा, तो बेटर है कि ए वाला फॉर्मूला आप राइट डाउन मत कीजिए कि इतना करना पड़ेगा, जस्ट दिमाग में सॉल्व कीजिए, आपको एन का वैल्यू आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से फॉर्मूला से आपको क्या आया, नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितना आया 23, तो इसका जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 23/2, जो कि आपको 11 होल 1/2 आ जाएगा। बट इसका अप्रोच क्या होता है, देखिए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री, ऐसे करते करते आपको आएगा
साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। साइन स्क्वायर 89 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 89 आपको 90 होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 3 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ये आपको 88 नहीं आकर के ये आपका 84 आ जाएगा, तो ये 5 डिग्री का दे देगा। ये 79 आ जाएगा तो ये आपको 81, तो ये आपको कितना 81 9 डिग्री का आ जाएगा। तो इस तरह से आपको साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 1, साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर 9 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 22 पेयर बन जाएंगे जिसका वैल्यू आपको 1 × 22 आएगा। बीच में आपको एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा जो कि 1/2 हो जाएगा। तो 22 पेयर बनेंगे, 2 से आपको करना पड़ेगा। ओके, 22 पेयर नहीं बन के 11 पेयर बनेगा। तो आपको 1 × 11, 11 प्लस 1/2 यानी कि आपको 23/2 या 11 होल 1/2। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, अब मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या ए सीरीज लिए, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आप लास्ट टर्म जो है एपी का आप 90 लेंगे? नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू आंसर कब होता है, जब आपका थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 के बीच में होता है। ना तो 0 होना चाहिए ना ही वो 90 होना चाहिए। तो आप 90 को एक मिनट के लिए अलग रखिए। तो लास्ट टर्म इसका कितना आ जाएगा, साइन 85 डिग्री आ जाएगा। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए, लास्ट टर्म 85, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, ये आपको आ जाएगा 80। एन का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू आपको 17 आ जाएगा। चलिए तो 85 तक जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि 19/2 जो कि आपको 9 होल 1/2 राइट आंसर ऑप्शन डी दे देगा। आप समझे डिफरेंस को, मैं यहाँ पे लास्ट टर्म 90 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस फॉर्मूला के साथ एक आपका प्री कंडीशन क्या है कि ना तो थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए और ना ही 90 होना चाहिए। उस थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला टर्म हम लोगों ने साइन 85 लिया। अब 85 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल लिया 17, आंसर 85 तक 17/2 आएगा। और साइन स्क्वायर 90 को भी आपको सम अप करना है तो 1 यदि आप जोड़ दिए तो 9 होल 1/2, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 होल 3 sin थीटा इंटू 16 होल cos थीटा। अब आपको पता है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, आपका ए टू द पावर एम प्लस एन होता है, अल्जेब्रा का एक सर्च एंड इंडिसेस का ये फॉर्मूला होता है। देखिए 2 to the power 3 sin थीटा दिया गया है इंटू 16 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको ए भी पता है ए टू द पावर एम टू द पावर एन, आपको ए टू द पावर एम एन होता है। अब देखिए 2 to the power 3 sin थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 4 cos थीटा। अब ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन को आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एम प्लस एन, यानी कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब आपको एक चीज़ मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो मेरा देखिए, मैंने पूरे चीज़ डिटेल में बताया है क्या कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने मैक्सिमा मिनिमा ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, उस वीडियो को आप फॉलो कीजिए। तो 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, यानी कि 2 to the power 5 आपको 32। तो इस एक्सप्रेशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन बी 32 विल बी आवर राइट आंसर। आप मैक्सिमा मिनिमा का प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे वीडियोज देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 4 सेशंस बनाए हैं, इसको सारे कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने कवर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20th क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20th आपको हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस भी मैंने आपको पूरे डिटेल में और यूनिक अप्रोच के साथ कवर कर लिया है, आप उस सेशन को देखिए। इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व नहीं करूंगा। फ्रॉम ए टावर ऑफ ए बिल्डिंग
60 मीटर हाई, चलिए एक बिल्डिंग 60 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे बॉटम ऑफ टावर, चलिए अब आपको टॉप का एंगल डिप्रेशन और बॉटम का एंगल डिप्रेशन आपको दे दिया गया है, कितना ए आपको दिया गया है 30 डिग्री, ए दिया गया है 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर, इसका हाइट क्या होगा, इसको मैंने पूरे डिटेल में बनाया है, इसको बेसिक फिगर में आप कन्वर्ट कीजिए, बेसिक फिगर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ए आपको 30 डिग्री, ए 60 डिग्री, 30 वाला यदि डिस्टेंस डी है तो ए d/2 हो जाएगा, 30 से 60 वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका हाइट देगा, हाइट आपको क्या हो जाएगा, टोटल तीन पार्ट्स बन रहा है, 60 का 2/3 आपको 30 आ जाएगा। जो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं उनको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो आप जरूर हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो देखें तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो साइन 30 साइन 60 करते करते आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगेगा। यदि आप मेरे वीडियोज़ देखे हैं इस क्वेश्चन को जितना देर आपको पढ़ने में लगेगा, सपोज 5 सेकेंड 6 सेकेंड, उतना देर में आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको 20-40 आ जाएगा, सॉरी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आप दे सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और ट्रिक है कि जब भी 30 और 60 का आपको एंगल दिया गया हो तो जो छोटी वाली ऊंचाई है हमेशा बड़ी वाली ऊंचाई का हमेशा 2/3 होता है। यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर बड़े वाले जो आपको बिल्डिंग है उसका 60 का 2/3 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा, 40 मीटर्स। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो जरूर देखिए तभी ये जा करके, और बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है साइन कॉस टैन लगाने का, बिना साइन कॉस टैन लगाए आप 95% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, हार्डवर्क अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, 1 सेकेंड भी समय नहीं लगेगा आपको लाइक करने में। कोई फीडबैक हो, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाई IGT। आपके जो भी डाउट्स हो वहाँ आकर के आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके इजिली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नीडी व्यक्ति के बीच जरूर इस वीडियोज़ को पहुंचाइए, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए, फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, आप वर्बली बोल करके शेयर कीजिए, उन सारे लोगों के बीच शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।